सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का बीए पार्ट फर्स्ट का कोटा यूनिवर्सिटी का खास तौर पे, बाकी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है या कोई दूसरा पेपर चलता हो, हम यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र यानी डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मेरा ये मानना है कि एक साथ ही इसको दोनों का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। इसके साथ ही इसी यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप का हम लोग करेंगे, वो अगले वीडियो में। और छोटे छोटे 8-8 10-10 मिनट के वीडियो हैं, मैक्सिमम इतना ही मैं रखूँगा इनको और समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग फ्लो चार्ट डायग्राम इनका प्रयोग करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। अब शुरुआत आप बिल्कुल लेनिन से कर दीजिए, अब्राहम लिंकन से कीजिए, सॉरी। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? देखिए, लिंकन साहब ने ये कहा था, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया जो शासन है ना, बेसिकली जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वो क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि डेमोक्रेसी होता क्या है, लोकतंत्र की शासन की मूल चीज़ें क्या होती हैं। अब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को जब आप देखोगे तो तीन विशेषताएं आती हैं। देखो, एक तो जनता का प्रतिनिधित्व, मतलब सब कुछ लोग होते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो एक तो जनता का प्रतिनिधित्व, इसके मैं बात कर रहा हूँ विशेषताओं की, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो एक तो जनता का प्रतिनिधित्व, इसको आप लोग ध्यान रखें, जनता का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक। देन एक प्रकार से कहें कि प्रिजर्वेशन या रक्षण, जनता के हितों की रक्षा, जनता के हितों की रक्षा। और एक चीज़ इसमें आती है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ये तीन चीज़ें जो है डेमोक्रेसी की खास बात होती है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके भी दो पोर्शन होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब दो विशेषताएं जो है होती है इसकी, दो प्रकार होते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था के। और दो प्रकार कौन कौन से हैं ये आप सिर्फ दिखा दो इसको कि शासन के दो रूप, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है, बहुत सिंपल है ये भी, इसको कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना अपन को, अप्रत्यक्ष या रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, यानी अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये दो प्रकार है बेसिकली। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जहाँ जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है, तो वो छोटे देशों में छोटे राज्यों में संभव है। अप्रत्यक्ष में जो है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, तो दो तरीके से ऐसा होता है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की या बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको थोड़ा सा आप लोग यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पॉइंट्स पॉइंट्स आप देख लो, सिर्फ डिटेल की आवश्यकता नहीं है। बिलीफ इन पॉपुलर सोवरेंटी यानी लोक प्रभुता में विश्वास, देखिए आप पहले पढ़ चुके होंगे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, लोक प्रभुता में विश्वास, ठीक है। और दूसरा यदि यहाँ पर देखोगे आप तो राजनीतिक एवं नागरिक समानता, सॉरी राजनीतिक एवं नागरिक समानता यानी इक्विटी ऑफ पॉलिटी एंड सिटीजन। नंबर 3 यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो होती है वो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता। और इसके बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान इसकी प्रमुख विशेषता होती है। मानवीय विवेक में विश्वास, मानवीय विवेक में विश्वास। और इसके बाद नेक्स्ट है बहुमत का शासन, बहुमत का शासन। अब ये बहुत
प्राइम फीचर्स हैं, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। और शक्ति पृथक्करण होता है लोकतंत्र में, शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण और संविधानवाद। यानी इसकी खास बात ये रहती है कि एक लिखित निर्मित जो संविधान होता है, संविधान के हिसाब से जो है शासन चलता है, इसी को संविधानवाद मूल रूप से कहा जाता है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुण होता है कि जनकल्याण होता है, सबको शिक्षा मिलती है, मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूल होता है, देश प्रेम की भावना होती है, क्रांति से सुरक्षा मिलती है, जनता का नैतिक उत्थान होता है और विश्व शांति में समर्थक रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और डेमोक्रेसी में के जो मोटे मोटे चीज़ें उनको आप लोग देख लेना। अच्छा, लोकतंत्र की समीक्षा के पक्ष, मतलब देखिए, लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है और लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। तो मेरे सामने आप में से ज़्यादातर लोगों को जो है पक्ष लेना चाहिए, लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन है। क्योंकि कई बार होता यह है कि लोकतंत्र में यदि किसी गलत आदमी को वोट दे दिया तो उसको भुगतना ही पड़ता है, ऐसा कई देशों में देखने को आया है। तो ये एक बात होती है। भारत में डेमोक्रेसी का एक अलग स्वरूप है, इसको आप ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं डिक्टेटरशिप के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप भी उतनी ही ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा डेमोक्रेसी को आप लोग लिख सकते हो, सिंपल टॉपिक है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। आप लोग इसको बहुत आसानी से जो है कवर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि संभवतया ये आज का मुझे पता नहीं कि मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप लोग पढ़ते रहना। शायद आज ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा कुछ निजी कारणों से। ये आज का आखिरी वीडियो रहेगा और आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। डिक्टेटरशिप होता क्या है? देखिए, जहाँ पूरी जो शक्ति है ना, वो पूरी संप्रभुता जो होती है ना, अधिनायक तंत्र जिसको बोलते हैं, अधिनायक तंत्र, इसमें क्या पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो जाती है। तो फिर जैसे ही एक ही शक्ति में निहित होगी तो निश्चित तौर पर वो डिक्टेटरशिप करेगा। चाहे हिटली की बात, हिटलर है, मुसोलिनी की बात करें, ऐसे कई लोग हुए हैं, माओ त्सेतुंग चीन में हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? एक तो देखो, इसमें होता है टोटलिटेरियन ऑफ स्टेट, यानी सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकार मतलब सबसे ज़्यादा अधिकार एक ही व्यक्ति को मिल गए, तो सर्वाधिकारवाद। प्रजातंत्र का इसमें विरोध होता है, यानी डेमोक्रेसी एक प्रकार से ख़त्म सी हो जाती है, तो प्रजातंत्र का ये विरोध करते हैं अधिनायकवाद में। एक दल एक नेता, वही मतलब जैसे हिटलर मुसोलिनी वाली बात हो गई, तो एक दल एक नेता, एक नेता और एक ही कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अभाव हो जाता है। फिर जनमत निर्धारण के, फिर क्या है, जनता पर कठोर नियंत्रण, जनता पर कठोर नियंत्रण, मीडिया पर पाबंदी, मीडिया पर, मीडिया को स्वतंत्रता नहीं रखा जाता है। एक एग्रेसिव पेट्रोटिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद होता है, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, और इस तरीके की चीज़ें होती है। युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार होता है। अब इसमें क्या होता है, कई इसकी भी विशेषताएं ऐसे, जैसे शासन में एकता रहेगी, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होगा, संकट काल में काफ़ी अच्छा रहता है, राष्ट्रीयता की भावना रहती है, लेकिन डेमोक्रेसी के खिलाफ है, युद्ध की संभावना रहती है। और इसके बाद जैसे ही वो तानाशाह मरता है तो उसका कोई उत्तराधिकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर देश बिखर जाता है। ये चीज़ें हैं। तो मेरे सामने डेमोक्रेसी जो है अभी भी बेस्ट वे है शासन का, इसलिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट विकल्प है। अब इस यूनिट से बेटा आप लोग जो है संविधानवाद को देख लेना एक तो, और दबाव समूह और राजनीतिक दलों को देख लेना, और इसके बाद जो एक चैप्टर है उसको आप लोग छोड़ सकते हो, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और आज का वीडियो मैं इतना ही बना पाऊँगा, ये पूरा पेपर करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक, बैक पेन और इन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ अभी। तो आज के लिए आपके लिए पर्याप्त है, कल मॉर्निंग ड्यूटी है, इसलिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभ रात्रि बच्चों।